निकालते हैं इनका दूध, कैसे निकालते हैं ये देखो। अच्छा दूध अभी रहे करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। हम लोग उठना सुबह 4 बजे तक, हालांकि 4 बजे तो उठ नहीं पाए, 7 बज गए, क्योंकि रात को मैं खुद 2:30 बजे सोया था। 2:30 बज गए सोने में, 2:30 बज गए पता है, क्योंकि हम लोग लेट आए, 10 बज गए रूम ढूंढ के। 10 बज गए उसके बाद खाना ढूंढा हम लोगों ने, खाना लेके आए, खाना खाया, 11-12 बज गए। उसके बाद मैं जितने भी डाटा था उसका मैंने बैकअप लिया, क्योंकि जितना डाटा रात रोज होता है उसका मैं बैकअप लेता हूँ, अलग दूसरे वाले मोबाइल में ट्रांसफ़र करता हूँ इसमें से, आईफोन में से। और वो अपना कैमरा उसमें मैंने कहा उसको लिखना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक किया, उन्होंने नेम करके वो किया। उसको करते करते सुबह के 2:30 बज गए। 2:30 बजे मेरे को लगा यार क्या सोए हैं, चलो ठीक है अपने को 4 बजे जाना है, अपने 1 घंटा सोते हैं 2:30 बजे। आधे घंटे में फिर मैं नया, मैं रात को ना के सो गया था, रात को ना रहेगा मैं ठीक है ना के रात को सो गया, 3 बजे में सोया मगर चलो ठीक है 1 घंटा सोते हैं फिर उठेंगे। लेकिन उठा ही नहीं किया, अब उठे यार 6 बज गए उठते उठते, 6:30 बज गए। फिर सामान पैक करते करते हो गए 7 बज गए। तो निकलते हैं यहाँ से, अरे यार निकलते क्या, अभी तो आधा घंटा और लगा था इसमें। सबसे ख़राब काम है और बैग वापस गाड़ी में पैक करने का, जो भी किया नहीं है जो करेंगे ठीक है। और बाइक मैंने रात को अंदर खड़ी कर दी थी। और आज का जो प्लान है, अगर आप लोग आज का प्लान बताऊँ तो आज अपन सबसे पहले चल रहे हैं तनोट माता के, ठीक है। तनोट माता से फिर अपन चलेंगे लोंगेवाला फर्स्ट, फिर वहाँ से अगर टाइम मिला तो देखते हैं इधर क्या बोलते हैं, सेम दिन से तब चलेंगे। तो वापस जैसलमेर आके और बाइक का कुछ काम करवाना, चेन वगैरह टाइट करानी, वो करवाएंगे अगर टाइम मिल गया तो आज, नहीं तो फिर देखते कुछ करेंगे। तो निकलते हैं, बैग वैग अपना पैक करते हैं ठीक है। बोल ले तो यार इन कुछ लेट नहीं, तो देख चेक करके के। अच्छा के। ये आपकी है? कितने बेड़े? ये 450। तो ये सब आप, ये आप ही करते उनको ऑपरेट है, आप ही खिलाते पिलाते हो? तो यहाँ आस पास गाँव के पास ले जाते हो, दूर दूर लेके जाते हो? बरसात होती है जब तो यहाँ रहते। अच्छा बरसात बारिश नहीं होती तो दूर जाते। अभी तो बारिश हो गई अच्छी ना, इसलिए थोड़ी गर्मी का मौसम, तो बहुत सारी गर्मी पड़ती है। तनोट? हाँ तनोट जा रहा हूँ। तो गाइस हम लोग तनोट जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारी भीड़ें दिख गई, ये देखो पीछे की साइड में। तो मेरे को लगा यार रोक के एक बार इनसे देखते हैं, बात करते हैं। आपका नाम बोलिए? मैं भेरू सिंह। भेरू सिंह जी, अपने थोड़ा दूध वूध भी निकाल के दिखा दो ना। अभी निकालो? हाँ देखो थोड़ा सा कैसे दूध निकालते हैं आपको बताता हूँ, भेड़ों को दूध कैसे निकालते हैं। बहुत सारी है देखो पीछे की साइड। कितने आपके पास, कितनी टोटल ये? ये 450 है मेरे दो भाई की। 450? हाँ टोटल पूरी है? पूरी वहाँ तक है ना, वो बहुत दूर तक है। हाँ। तो गाइस देख रहे हो 450 भेड़ हैं भेरू सिंह जी के पास में।
जिनके अकेले चराते हैं पूरी चारों तरफ। खुल्लो इलाका है हमारा, यहाँ खेती वेती कम है अभी। रुकेगी नहीं क्या? रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है। कैसे निकालते हैं इनका दूध, कैसे निकालते हैं ये देखो। अच्छा दूध अभी रहा इनमें, तो भाई जैसे दूध निकालते बेड़ों का, ठीक है मैं भी ट्राई करूँ एक बार, निकालूँ मैं भी निकाल लो एक बार, मैं भी ट्राई करता हूँ देखो कैसे निकालते हैं। बोलता तो मैं भी ट्राई करता हूँ, कैसे करते हैं ये देखो भाई, ऐसे इसको दबाओ से भाई, दबाओ नीचे नीचे। हाँ यार आगे दूध निकल गया, एक देख लो ये देखो गाइस दूध निकल रहा है। कम दबाओ, वो से कितना निकलता था दूध, तो इसमें कम कम ही कम ही निकलता था। पाप पाप इसका दूध, भेड़ का दूध, भेड़ का दूध दवाई में भी काम आता है ना। हाँ शायद किसी के हड्डी बड्डी में लग जाती है, तो हड्डी लग जाते हैं नहीं। देख रहे हो गाइस कितनी सारी भेड़े, लगभग 400-500 भेड़े इनके पास में। ये देखो वहां तक आ रही है, वहां से वहां तक हो रही है। आप इस दायरे पर रोड लाड़ के कुछ बकरे भी, इन बकरियां भी इनके अंदर। ठीक है भैरू सिंह जी, जय माता जी की। वाइज भैरू सिंह जी को बाय बाय कर देते हैं, तो वही चलते हैं। आपको मेरी एक चीज़ थी तो दिखानी थी, मेरे को लगा यार दिखानी चाहिए, और मैंने भी कभी ऐसा देखा नहीं था, किया नहीं था भेड़ का कैसे दूध निकालता है। तो मैंने आज अपने हाथों से भेड़ का दूध निकाला, आपको भी दिखाया ऐसा निकाल के। ठीक है ऐसे निकलता है भेड़ का दूध, और इनका नाम भैरू सिंह जी है। भैरू सिंह जी से कुछ याद आया आपको? बॉर्डर फिल्म देखी, उसमें सुनील शेट्टी वाला किरदार था, उनका नाम भी भैरू सिंह जी होता है, और इनका नाम भी भैरू सिंह जी। अरे वही जगह है जैसलमेर भी। ठीक है तो चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको सेहत नोट निकलता है, और बीच में कुछ ऐसा मिलेगा तो दिखाऊंगा आपको मैं। बाकी यहाँ पे देख लो आप, पूरे विंड एनर्जी के वो लगे हुए पीछे साइड में, दिख रहे हैं